तो बात लॉकडाउन की हो रही है, अलग अलग शहर में मौजूद अपने रिपोर्टर्स से ताजा हाल भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस बार का लॉकडाउन पहले से कैसे अलग है। चालीस दिन के लॉकडाउन के बाद 14 दिन का तीसरा लॉकडाउन आज से शुरू हो रहा है। कोरोना को हराने के लिए सरकार ने तीसरी बार ताला लगाया है, लेकिन इस बार कुछ ढील के साथ। लेकिन ये ढील हर जोन के हिसाब से अलग अलग होगी। देश के 733 जिलों में 130 जिले रेड जोन में हैं, ऑरेंज जोन में 244 जिले, जबकि ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद भी रेड जोन में हैं। राज्यवार देखें तो महाराष्ट्र के 19 जिले रेड जोन में हैं, जबकि यूपी के 14, तमिलनाडु के 12, दिल्ली के सभी 11, पश्चिम बंगाल में 10, गुजरात और मध्य प्रदेश में 9-9 और राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में हैं। आइए अब जान लेते हैं कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन कैसे निर्धारित किए जाते हैं। जिन जिलों में कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं उन्हें रेड जोन माना गया है। जिन जिलों में 14 दिन तक कोई नया कोरोना केस नहीं मिला उसे ऑरेंज जोन माना गया है। जिन जिलों में 21 दिन से एक भी मामला सामने नहीं आया है उसे ग्रीन जोन माना गया है। लॉकडाउन 3 में सरकार ने रेड जोन में भी कई रियायतें दी हैं। शादी ब्याह के लिए 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। शराब, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकान पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और वो भी 2 गज की दूरी बनाकर खड़े होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तंबाकू वगैरह चबाने की इजाजत नहीं होगी। ग्रीन जोन में बिजनेस से जुड़ी चीजें शुरू हो जाएंगी। बसें भी चलेंगी, लेकिन 50% से ज्यादा सवारी नहीं ले सकते हैं। बस डेपो में कर्मचारियों की संख्या 50% से ज्यादा नहीं होगी। सैलून समेत जरूरी सेवाओं की बहाली की छूट। होम डिलीवरी करने वाली कंपनियां खुल सकेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। वहीं ऑरेंज जोन में बसें तो नहीं चलेंगी, लेकिन कैब चलाने की इजाजत होगी, लेकिन एक कैब में एक ही पैसेंजर जा सकता है। ऑरेंज जोन में बाजार खुलेंगे और औद्योगिक कारोबार शुरू हो जाएंगे, लेकिन कर्मचारियों की सीमा 50% तक ही रहेगी। इस जोन में लोग कैब बुक करा के यात्रा कर सकेंगे। कैब में ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर ही बैठ सकेंगे। सिनेमा, धार्मिक स्थल और समारोह पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जो छात्र और मजदूर लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें लाने ले जाने के लिए बसों और ट्रेन को चलाने की इजाजत दी गई है। आज तक ब्यूरो।